ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूँ। प्रचार का मुद्दा परिपूर्ण जीवन दूसरी बात नीति वचन के पुस्तक उसकी 28 अध्याय उसमें 20 वचन को हम बीते हफ्ता अध्ययन के लिए लिए थे, लेकिन हम पूरा अध्ययन नहीं कर सके समय के अभाव। आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ, पढ़ेंगे नीति वचन के पुस्तक उसकी 28 अध्याय उसमें हम 20 पद को सुनेंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने बीते हफ्ता भी कहा था, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसकी 5:24 में हमारा परमेश्वर के बारे में जिक्र है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। पहले धर्मशास्त्र बतलाती है तुम्हें भुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़े 24 पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:24 तुम्हारा भुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। वह ऐसा नहीं करेगा, वह ऐसे ही सच्चाई के साथ तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। सच्चे आशीर्वाद परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देगा। सच्चा आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। उस सच्चा परमेश्वर हमें सच्चा आशीर्वाद देना चाहता है। सच्चा आशीर्वाद में दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, परेशानी नहीं है। सच्चा आशीर्वाद में बीमारी नहीं है। सच्चा आशीर्वाद में क्लेश नहीं है। सच्चा आशीर्वाद में कर्जा नहीं है। सच्चा आशीर्वाद में संकट नहीं है। सच्चा आशीर्वाद में नाना प्रकार की चिंता नहीं है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सच्चे वैद्य धर्मशास्त्र बतलाते सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष आशीर्वाद होते हैं। द फेथफुल मैन शैल बी मच प्रेज्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें बहुतायत का आशीर्वाद देना चाहता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य आप कुछ मांगेंगे थोड़ा सा तोड़ करके आपको देगा, लेकिन आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर दोनों हाथ से उठा करके आपको देगा। इस संसार में परमेश्वर आज तक जो भी दिया है वो घटा ही नहीं। हवा में गति नहीं होती है, बारिश में गति नहीं होती है, चांद 10 दिन महीना में छुट्टी नहीं लेती है, सूरज साल में 1 महीना बंद नहीं करती है, तारा साल में 2 महीना नहीं आती है, इस तरह का सवाल नहीं है। परमेश्वर जो भी इंसान के लिए संसार में दिया है वो लगातार हमारे लिए कार्य करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परिपूर्ण आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। वो परिपूर्ण आशीर्वाद को हमारे जीवन में देता है। तो मैं यहाँ पर बीते हफ्ता जो वचन पढ़वाया था उसको मैं फिर पढ़ा रहा हूँ। 25 को पढ़ेंगे, 25 इसी अध्याय में। लालची मनुष्य झगड़ा मच जाता है और जो यहोवा पर भरोसा रहता है। देखिए आपके पास कलम होगा तो यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, यहोवा जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो अष्ट पुष्ट हो जाता है। परमेश्वर हमें अष्ट पुष्ट करने वाला परमेश्वर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मनुष्य जब देगा थोड़ा ही काट करके देगा, तोड़ करके देगा, लेकिन परमेश्वर जब देता है भरपूर आशीर्वाद को देता है। परमेश्वर का एक वचन को मैं याद दिला रहा हूँ, पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 10:10 को पढ़ेंगे। शैतान और परमेश्वर दोनों का अंतर इस एक वचन में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शैतान किस प्रकार मनुष्य के जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर मनुष्य के जीवन में किस प्रकार कार्य करता है। पढ़ेंगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार में इसलिए आया हूँ कि इंसान के लिए, प्रभु बोल रहा है तुम लोग सब कोई मुझसे जीवन पाए और वो जीवन बहुतायत से पाए। मैं पहले बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, हमारा परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर। ताली बजा के मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तोड़ के देने वाला नहीं,
एक मट्टी उठा करके देने वाला भी नहीं, परंतु बहुदाय से हमें देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत के साथ आशीर्वाद देना चाहता है। मैं एक अध्याय की ओर आपका ध्यान को पहले आकर्षण करना चाहता हूँ। पुराने नियम में हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसको निकालेंगे, सबको निकालें, सबको अपना बाइबल धर्म शास्त्र में से व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 28 अध्याय। वहां पर दो प्रकार की बात को परमेश्वर एक साथ कहता है, एक आशीर्वाद की बात कहता है, दूसरा श्राप के बारे में बोलता है परमेश्वर। तो पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे कि पहला पद को पहले पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज्ञा मतलब जो परमेश्वर का धर्म शास्त्र में जो भी लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ सभी आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों से कहता, आज जो भी आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर इसकी सुने, इस चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने, तो आज तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए जब हम सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे तब परमेश्वर आशीर्वाद किस प्रकार, इस पद से लेकर लगातार हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ध्यान दीजिए, तो वह तुझे जब हम परमेश्वर की वचन पर इस व्यवस्था पर इस धर्मशास्त्र पर चित लगा के उसको हम सुनेंगे, उसकी वचन को सुनेंगे उसके अनुसार करेंगे, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। आज आप कष्ट में हैं, यीशु मसीह को जान के 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी भी कर्जा ले रहे हैं, अभी भी दुख में हैं, अभी भी बीमारी में हैं, अभी भी कष्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के इस वचन को नहीं मानते, कहीं कहीं आपके जीवन में भूल चुक हैं, कहीं कहीं आप परमेश्वर का वचन को छोड़ करके साइड ले रहे, अपने मन से जा रहे, अपने विचार से जा रहे, अपनी इच्छा से आप जा रहे, आप अपना बुद्धि को सहारा लेते, उसी के चलते आज भी आप परमेश्वर को जानने के बावजूद भी दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं और गुलगुल के मरने के जैसे भीतर भीतर आप रोते हैं, भीतर सब लोग सोते हैं लेकिन आपको नींद नहीं लगती है, दिन भर काम करते मेहनत करते फिर भी रात के सोने के समय में नींद नहीं लगती है, आप किसी किसी बातों को लेकर तो सोचते रहते हैं, क्यों आपके साथ हो रहा है, आप तो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, सब अच्छा है, लेकिन जो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है उसको अगर आप पूरी तरह से चित लगा करके आप नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं चलते इसके अनुसार, तब आपको दिक्कत हो रही है। एक वचन और पढ़े, 15 पद इसी अध्याय की, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुनिए ध्यान से, हमारा समस्या का कारण का जड़ मैं आपको बतला रहा हूँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं ये कलम जरूर रखिए, आप ना सुनते हैं ना लिखते हैं ना मन में बैठाते हैं ना दिल के अंदर इन बातों को रखते हैं, मनमानी जीवन बिताते हैं, इसलिए आपके जीवन में जिस प्रकार परमेश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, शैतान आपका आशीर्वाद को नहीं रुकता, खुद आप रुकते हैं, लिखा है स्पष्ट तौर से, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और इसकी आज्ञाओं और परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के पालन विधियों को पालन न पालन पोषण न करे जो मैं आज सुनाता हूँ श्राप सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा ये सब श्राप तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं है, परमेश्वर जब आपको आशीर्वाद देगा उसको कोई ताकत नहीं है रोक सके, और उसी तरह आप परमेश्वर की इस नियम के अनुसार न चलने के कारण, इस परमेश्वर का वचन को न मानने के कारण परमेश्वर
आपके लिए जो कुछ किया है उन बातों को भूल जाने के कारण, परमेश्वर जो भी आशीर्वाद दिया है उस पाप उन बातों को भूल जाने के कारण, परमेश्वर के विधि और व्यवस्था और नियम और कानून, समस्त धर्म शास्त्र के इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार न जीने के कारण, परमेश्वर खुद कहता है, आशीर्वाद देने वाले मुंह से परमेश्वर कहता है। ध्यान दीजिए, ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं, आप लिखने वाले लिख रखे सेवकों के लिए भी परमेश्वर कहता है। ये केवल विश्वासी के लिए नहीं, परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता है, ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा सबसे छोटा बेटा, इसको आशीर्वाद दूंगा, इसको श्राप दूंगा, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर का नियम सबके लिए बराबर है, परमेश्वर का कानून यहां से बोलने वाला, वहां से बैठ के सुनने वाला, सबके लिए बराबर है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर जिस मुंह से आशीर्वाद दिया था उसी मुंह से कहता, अगर मेरा वचन, मेरा नियम, मेरा कानून, मेरी व्यवस्था, मेरे धर्म शास्त्र के अनुसार तुम्हारा जीवन अगर नहीं है, मैं तुमको श्राप दूंगा। कौन कहता है? बोलने रहे, कौन कहता है? आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर श्राप देने की बात करता है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पूछेंगे कि सेवकों के लिए भी यही नियम है? एकदम यही नियम है। एक हाथ यहाँ रखिए, पढ़िए, उसको भी जानिए। बाइबल धर्म शास्त्र को सही तौर से सीखने से यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ कोई सेवक विश्वासी नहीं है, सबके लिए एक ही कानून, सबके लिए एक ही नियम है। पढ़ेंगे, पढ़े दूसरी अध्याय मलाकी की पुस्तक, मलाकी भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय, पहला पद से लेकर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। अब याजकों मतलब सेवकों, समझ में नहीं आएगा तो बगल में लिख कर रखिए। अब ये सेवकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीषों से तुम्हें मिली हैं, आज कुछ सेवक बहुत आशीषों के साथ, बहुत सेवक बहुत आशीषों के साथ, कुछ सेवक श्राप में, वो श्राप में होंगे या उनके बाल बच्चे श्राप में होंगे, कहीं ना कहीं हम इस धर्म शास्त्र से हट के दाएं बाएं भाग रहे हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भी हम अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसी के चलते परमेश्वर की श्राप हमारे ऊपर आ पड़ती है। एक बार और दूसरी पद लिखा है, यदि तुम इसे ना सुनो, सेवकों के बारे में लिखा, ना सुनो और मन लगा कर कि मेरा नाम का, परमेश्वर का नाम का, वचन का, नाम का आदर वो करता जो परमेश्वर का वचन को मानता, राइट। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीषों से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका। बहुत सेवकों के जीवन में ये बात है, अगर वो नहीं है तो उनके बाल बच्चों में है, उनके नाते पोते में है, क्यों? हम इसको नहीं मानते, परमेश्वर का नियम विधि व्यवस्था को नहीं मानते, उसके चलते अगर मैं नहीं मानूंगा मेरे घर में वो श्राप पड़ेगी, मेरे बच्चों में पड़ेगी, उनके बाल बच्चों में पड़ेगी। हम उनके लिए आशीष के बदले श्राप कमा के रखते हैं। मैं यहाँ पर सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जवान है आप खास तौर से सुनिए, कल तो शादी होगी, जवानों से भी मैं कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ, कल किसी दिन कुछ साल के बाद आपको भी शादी हो, लेकिन अभी से इस बात को दिल में दिमाग में परमेश्वर की वचन को लिख करके रखिए। क्यों हम परेशान हैं? क्यों हम दुखी हैं? क्यों हमारे घर में परमेश्वर का आशीष ठहरती नहीं? जिस घर में परमेश्वर का आशीर्वाद होगी, पहचान में बता रहा हूँ, वहां आशीर्वाद ठहरेगी, नहीं तो एक दरवाजा से आएगी दूसरे दरवाजे से निकल जाएगी। 20 दिन आपका कमाई का पैसा से आप खाना खाएंगे, 10 दिन या 5 दिन या एक हफ्ता किसी दुकानदार से जाके किराना की दुकान में कर्जा लेंगे, वहां आपके नाम पे एक किताब कापी रहेगा, सामान लेने वाला लिख कर रख के आएंगे। अगर आप विश्वासी हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, किस प्रकार की अगर आपके परिवार में
आखिरी हद तक कर्जा लिए बिना हमारा परिवार नहीं चलता पास्टर जी, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं श्राप है, कहीं कर्जा लिए बिना आपका महीना पार नहीं हो रहा। ढूंढिए कहां पर हम गलत हैं। I challenge you brothers and sisters, मैं आपको इस सुबह के समय में चुनौती दे रहा हूं, कहां पर आप कम है। एक मैं एक सेवक हूं, आपको हम दो बार इसका पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूं, हम लोग ब्लेसिंग का पैसा को छूते नहीं। उसका पैसा उसकी जिंदगी के लिए, वो कमाती है उसका पैसा को, वो उसकी शादी के लिए, उसी के लिए उसका पैसा। हम परमेश्वर का सेवक है, हम उसकी सेवा करते हैं, वो हमको खिलाओ, ये मेरी सिद्धांत है, वही खिलाता है। आज तक हमने कहीं कर्जा नहीं लिया, तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप कर्जा लेने की आदत में डूबे हैं, किस जगह में आप इस परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं जा रहे हैं उसको पकड़िए। जब तक आप अपना गलती को, पाप को, अपराध को, गुप्त पाप को परमेश्वर के सामने मानेंगे नहीं, तब तक आप लात नाक रगड़िए आपका काम होगा नहीं। क्यों? आप दिल को कठोर करके परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं, अपना बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपना बल पर, अपने कमाई पर, अपने आमदनी पर आप अपने भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर नहीं, वचन पर नहीं। लेकिन मैं आपको पॉजिटिव साइड को दिखा रहा हूं, जो परमेश्वर की विधि और व्यवस्था, नियम और कानून को संपूर्ण तौर से धर्म शास्त्र को मानते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं होगी, वो दुखों को सुख में बदल देगा। दुखों को परमेश्वर सुख में बदल देगा, आपके तमाम दुखों को बदलेगा। कैसे बदलेगा? ध्यान दीजिए व्यवस्था भवन की पुस्तक, फिर हम उसी वचन को और आपके ध्यान को आकर्षण कर रहे हैं। जितने आशीर्वाद की बातों को मैं अभी पढ़वा रहा हूं उसको आप 15 पद के नीचे पढ़ेंगे, तुम मानोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम नहीं मानोगे इन सारे आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर श्राप का रूप ले लेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर का ये वाणी। परमेश्वर जैसे हमें आशीर्वाद देने जानता है उसी तरह वो श्राप भी देने जानता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम अपने बाल बच्चों को श्राप दूं, वो नहीं चाहता। कभी कभी आप लोग अपने बाल बच्चों को गुस्सा में कुछ बोल देते हैं, कोई कोई बच्चा माँ बाप को आगे नहीं मानते, दिल को कठोर करके रहते हैं, ये सब बातें याद रखिए। फिर भी कोई किसी को विरोध में श्राप देने के लिए उतना उतावली नहीं दिखाता, लेकिन कोई कोई बोल भी देते हैं। कोई कोई माँ बाप किस प्रकार अपने बच्चों को श्राप देते हैं, उन बच्चे हम लोगों से बोल को रोए हुए हमने देखा। भाई बहन सुनिए ध्यान से, व्यवस्था भवन की पुस्तक उसकी 28 अध्याय, उसमें हम पहला पद से लेकर 14 पद तक आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि सबके पास बाइबल नहीं, जिनके पास बाइबल है जरा आप अपना बाइबल धर्म शास्त्र में से व्यवस्था भवन की पुस्तक उसकी 28 अध्याय को पलट कर रख लें, पढ़ेंगे। यीशु अपने परमेश्वर यहोवा की, परमेश्वर कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगा के सब पर अपना बाइबल को देखे, सुनिए ध्यान से भाई बहन, यही तो दिक्कत है, इसी के चलते तो हम दिक्कत में रहते हैं। भाई बहन बाइबल धर्म शास्त्र एकदम स्पष्ट है, जो इसके अंदर है उसी के अनुसार हमारा साथ होगा। अगर हम इसका आदर करेंगे हम भी आदर पाएंगे परमेश्वर से, अगर हम इसका अनादर करेंगे वही हमारे जीवन में रिपीट होगी। ध्यान दीजिए भाई बहन, बाइबल धर्म शास्त्र साफ तौर से बतलाती है कि तू चित लगा के सुनोगे, मानोगे, चलोगे, जियोगे। इतनी बातें इसके अंदर है, चित लगा के सुनोगे, चित लगा के पढ़ोगे, चित लगा के इस बाइबल धर्म शास्त्र को डोओगे। एक महान सेवक हिंदुस्तान की टॉप 10 सेवकों में एक सेवक है, 10 महान सेवकों में एक सेवक है, उनका नाम रेवरेंड एसेकिया फ्रांसिस, वो चेन्नई शहर के रहने वाले। वो जब हम गुलशन से थोड़ा बड़ा था उम्र में, उस समय उनका एक मीटिंग में अटेंड करने के लिए गया था, उन्होंने उस समय हम लोगों के जवानों के लिए एक बात सिखाई, आज आपको सिखा रहे हैं। इस जवान उम्र में
इस बाइबल धर्मशास्त्र को जो अपना माता पर डोएगा, वो बूढ़ा होते होते बाइबल धर्मशास्त्र उस व्यक्ति को पूरा दुनिया डोके जाएगी। बात मेरा समझ पा रहा? आज आपको ये डोने में दिक्कत है, वो कैसे परमेश्वर आपको कैसे डोएगा? वो जोड़ देगा। ये कितना ज्यादा से 5 किलो भी नहीं होगा, इतना भी आपको लेने में दिक्कत है तो आपको कैसे परमेश्वर डोएगा? आपका तो वजन ज्यादा 50, 60, 70, 100 भी हो सकता है। वो सेवक उस समय हमको जो सिखाया वो बात मैं आपको बतला रहा हूं। इस बाइबल धर्मशास्त्र को जो डोएगा उसको परमेश्वर डोएगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर ने हमें सिखाया इस धर्मशास्त्र को जो चित्त लगा के मन लगा के पढ़ेगा सुनेगा और उसके अनुसार चलेगा उसके अनुसार जिएगा उसको परमेश्वर का आशीर्वाद किस प्रकार होगी बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। पढ़ेगी दूसरी पद है तो एक जाति नहीं, दुनिया भर में जितने जाति के लोग हैं उन सबों में से परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। आप क्यों नीचे रहते हैं? हम इसके अनुसार नहीं चलते, इसको नहीं मानते, कहीं ना कहीं दाएं बाएं भागते रहते हैं, उसी के चलते हमको अन्य जातियों के सामने हाथ बांध के गुलामी करना पड़ता है। हमारी प्रार्थना है इस चर्च में आने वाले सब कोई किसी दिन उद्योगपति बन जाए, लघु उद्योग करें, छोटा छोटा बिजनेस करें, हर विश्वासी के अधीन में कम से कम 10 आदमी काम करें, यह हमारी प्रार्थना। हम प्रार्थना करने से थोड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपका जीवन इसके साथ कैसे मेल करता है, इस धर्मशास्त्र के अनुसार आप किस तरह चलते हैं, किस तरह धर्मशास्त्र को मानते हैं, किस तरह धर्मशास्त्र को सुनते हैं, किस तरह आप समय निकाल कर पढ़ते हैं, किस तरह परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, किस तरह आप इस वचन के अनुसार चलते हैं। जो मांगता है, जो पढ़ता है, जो मानता है, जो उसके अनुसार चलता है, उसके लिए आशीर्वाद। क्या लिखा है दूसरी पद? फिर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को इस धर्मशास्त्र को सुनने मानने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगी। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय तेरा गाई और तेरे भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आपके शत्रु आपके ऊपर अगर चढ़ाई करता है आप वहाँ आते हैं, इसका कारण शैतान नहीं है, आप इसको ना मानते हैं, आप इस धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं चलते, आप इस धर्मशास्त्र से दाएं बाएं भागते हैं, उसके चलते आपका शत्रु आपको सर पर चढ़ के नाचता है। ध्यान दीजिए भाई बहन, एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पढ़े आगे। तुम्हारे अगर हम इस धर्मशास्त्र के अनुसार रहेंगे, जिएंगे, चलेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे, तुम्हारे विरोध में तुम्हारा शत्रु एक मार्ग में होके आएगा चढ़ाई करने, परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। तुम्हारे सामने कोई नहीं ललकारेगा, ना शैतान, ना कोई बीमारी, ना कोई कर्जा, ना कोई गंदे आदतें तुम्हारे ऊपर प्रबल हो सकती है। अगर हम इसके साथ है सब पर हम भारी रहेंगे। हालेलुया, बोलिए सब पर हम भारी रहेंगे अगर हम परमेश्वर का साथ है। अगर ये आपके अंदर नहीं है सब पर आपको आपको ऊपर भारी पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे आप
30 साल प्रभु में विश्वासी रहिए, 10 साल प्रभु में विश्वासी रहिए, 3 साल प्रभु में विश्वासी रहे, 300 साल अगर परमेश्वर आपको जीवन भी दे दे तब पर भी आप किसी पर प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका ताल्लुक, आपकी रिश्ता, आपकी सहभाग्यता, आपकी रिश्तेदारी परमेश्वर का वचन के साथ नहीं। अगर इसका साथ नहीं है, इसका साथ नहीं है, याद रखिए परमेश्वर की सामर्थ आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इस आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 8 पद पढ़ेंगे, तेरे खतों पर और जितने कामों में तो हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुम्हारा परमेश्वर उस देश में तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। आपका सारा आशीर्वाद इस धर्म शास्त्र में है, इसके अनुसार अगर आप चलते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको छोड़ करके आप अपने मर्जी से चलते हैं सारा समस्या आपको आएगी, इतना समस्या आएगी आप उस पर जय नहीं पा सकते, क्योंकि इसके साथ आपका रिश्ता नहीं है, धर्म शास्त्र के साथ आप जुड़े हुए बंधे हुए मिले हुए नहीं है। ये जितना दूर आपसे है उतना नजदीक आप पाप के साथ जाएंगे, जितना आप परमेश्वर का नजदीक है उतना आप परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, जितना आप शैतान के नजदीक है उतने आप पाप में संसार के तमाम गुप्त पापों में रहेंगे। भाई बहन सुनिए ध्यान से, 9 पद लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हो मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हमें स्थिर करने वाला कौन है जी? आपका पैसा, पढ़ाई, दौलत, गांव में हमारा 1 एकड़ जमीन है, 10 बीघा जमीन है, हमारे पास 9 नौकर चाकर हैं, बैंक में इतना अरबों रुपया जमा है, इतना किलो सोना है, क्या यही हमें स्थिर करेगा? हमें स्थिर कौन करेगा? भाई धर्म शास्त्र बता, तुम्हारा परमेश्वर तुमको स्थिर करेगा। अगर आप स्थिर नहीं है, बगल वाला से पूछे आप स्थिर है, पूछे चेहरा देख करके पूछे आप स्थिर है, पूछे पूछिए पूछिए, जो स्थिर नहीं है उसके हिम्मत नहीं होगा पूछने के लिए, क्योंकि आपका विवेक आपको गवाही देगी भीतर भीतर। अरे तुम तो अपने जानते हो, तुम क्या दूसरों से पूछ रहे हो? क्यों? मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ ये परमेश्वर की भवन एक अस्पताल के बराबर है, जो मरीज लोग आते हैं उनको परमेश्वर चंगा करके विदा करता है। गैरेज में जाते हैं डेंटिंग पेंटिंग होता है और जो भी गाड़ी में खराबी है उसको मिस्त्री ठीक करके बाहर भेजता है। चर्च भी वैसी ही है, आप दुनिया भर के पाप करके यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद कोई आपको ऊपर साबुन नहीं लगाता, कोई आपको ऊपर तेल लगा के पाउडर लगा के बॉडी स्प्रे लगा के बाल झाड़ करके ऐसे जाओ करके नहीं बोलता। अगर वैसा कोई चर्च है तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, नरक का रास्ता वही है जहाँ लोग आपके पाप को आपके मुंह पर नहीं बोलता, जहाँ आपकी कमी को आपको आईना नहीं दिखाता है। बाइबल धर्मशास्त्र एक आईना, इस आईना में जब आप अपने आप को देखेंगे तब आपको पता चलेगा आप कहाँ किस प्रकार परमेश्वर के साथ है, किस प्रकार शैतान के साथ है, किस प्रकार आप ऊंचा पर्वत पर खड़ा है आत्मिक जीवन में, किस प्रकार आप गड्ढे में गिरे हुए हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है हमें जांचे, हम अपने आप को जांचे, आज नहीं है तो कल नहीं है। अगर आप घर का गार्जियन होकर के परमेश्वर के सामने एक धोखाबाज जीवन बिताएंगे, आपकी पत्नी बाल बच्चों का जिंदगी क्या होगा? कल का दिन बहुत बुरा होगा। जवानों से मैं कह रहा हूं आज ही आप परमेश्वर के साथ आ जाओ, मिल जाओ, कल होकर के परेशान होने का जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारा मन परमेश्वर का साथ नहीं है, हमारा दिल में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है तो हमारे लिए जरूर समस्याएं होगी। इतने आशीष की बातें परमेश्वर दिया है, हम कितना आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। पढ़े 10 पद, पृथ्वी के देश देश के सब लोग पृथ्वी के देश देश के सब लोग
यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे, और जिस देश के विषय यहोवा परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान, उसने तेरे संतान के लिए और भूमि की उपज, और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को बोलकर तेरे भूमि पर समय पर बरसाएगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा। परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप किसी से उधार लेते हैं, थोड़ा समय के लिए शर्म कीजिए। अगर आप ये लेते हैं तो याद रखिए, कहीं ना कहीं आप में कोट है, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के वचन से अलग है। किसी बात में परमेश्वर आपसे नाराज है, इसलिए आपको छोड़ दिया। आप जाकर के किसी से हाथ बढ़ा के हाथ पसारते रहिए, भैया 1000 रुपए दीजिए, भैया 1500 दीजिए, एक हफ्ता में दे देंगे, भैया 2000 रुपए दीजिए, भैया 3000 रुपए दीजिए, भैया गूगल पे कीजिए। आज तो बहुत शॉर्टकट हो गया, आदमी के पास ना जाना पड़ेगा, आदमी को लेके ना हमारे पास आना पड़ेगा। जहां आप है वही से आप किसी से कर्जा ले सकते। भाई बहन अफसोस कीजिए, परमेश्वर कह रहा है, पढ़ेंगे फिर 11 पद, आखिरी पद, आखिरी बात को पढ़ेंगे, तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा, यानी कर्जा देगा, और किसी से उधार तुझे लेना ना पड़ेगा। तुमको किसी से, बेटा बेटी मेरी बात को सुनो, अगर तुम मेरे वचन के अनुसार रहोगे, मेरे वचन के अनुसार जियोगे, तुम किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा, तुम किसी से कर्जा नहीं लेगा। अगर आप कर्जा लिए हैं, बीते दिनों में कर्जा लेने का आदत में है, अफसोस कीजिए। आपके लिए दूसरे अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, अफसोस कीजिए। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर हमने इस बात को नहीं समझा, हमने इस बात को ना जाना, हमने आपके वचन पर विश्वास नहीं किया, हमने आपके बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसी के चलते कर्जा ले रहे हैं। प्रभु आप कर्जा लेते या नहीं लेते आप जानते, परमेश्वर जानता है, शैतान जानता है, अन्य जाति लोग जानते हैं। आप जिन अन्य जातियों से कर्जा लेते हैं, क्या आप उनके बारे में आपके प्रभु जीवित प्रभु करके बोल पाएंगे? तो वो तो उल्टा आपसे सवाल करेगा, अगर आपका प्रभु जीवित है, अगर आपका प्रभु जीवित होता तो आप हमसे कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ती? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बोलिए पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आपका प्रभु अगर जिंदा प्रभु तो हमसे क्यों कर्जा ले रहे हो, हमसे क्यों भीख मांग रहे हो? आज इस बात को गंभीरता से लीजिए। कर्जा लेने वालों जरा कान खोल करके सुन ले, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप पाने के लिए अपने जिंदगी को तैयार न करने के कारण आपके जीवन में परेशानी। नीचे लिखा है, पढ़ेंगे 12 पद, और यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सीधे खड़ा है। देखिए परमेश्वर यहाँ एक और वायदा करता, तुमको पूछ नहीं परंतु मैं तुमको सिर टहराऊंगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। पहले मन लगाओ, मन नहीं लगाते हो इसलिए इधर उधर भागते हो। परमेश्वर के साथ मन लगाओ, ना इस संसार के पापों के साथ, ना इस संसार की गंदे जीवन के साथ, ना इस संसार की गंदे लोगों के साथ, उसी के चलते हम लाचार हैं। जैसे कहावत कहते हैं, आदत से लाचार। आपकी बुरी आदत से लाचार हो सकते हैं, कहीं उसको पहचानी है, आपको मालूम भी है, परमेश्वर भी जानता है कि सुबह के समय में
क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम दुखी हैं, क्यों हम व्याकुल हैं, क्यों हमारे अंदर घबराहट है, क्यों हमारे अंदर बेचैनी है। बहुत दिमाग लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक हाथ आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, दस हाथ पीछे चले जाते हैं। क्यों? तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं। अफसोस कीजिए। इसके पहले कर्जा लेने के बारे में कभी सोचिए मत। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, कहिए लिखा हुआ है, आप हमसे बोलिए प्रभु कहां हम गलत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको दिखाइए। कोई कोई पापों करेगा, प्रार्थना भी करेगा, उसके लिए परमेश्वर सुनता नहीं प्रार्थना, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन सा पाप करते हो। करते हुए हम आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैसे मांगेगा? तुम अपने परमेश्वर के सामने नाटक कर रहे हो तो कैसे होगा प्रार्थना? प्रार्थना नाटक वाला नहीं होता है, दिल से प्रार्थना होती है, दिल से पुकारना पड़ता है, दिल से परमेश्वर से रोना पड़ता है। प्रभु हमारा टूटी है भीतर, कर्जा लेने के लिए हिम्मत बांध के आगे मत दौड़िए, रोइए, दिल टूट के रोइए, पूछिए प्रभु से कौन सा श्राप हो प्रभु, कौन सा गलती, कौन सा अपराध हमें इस हालात में ला दिया। सबके पास परिवार है, कोई भी यहाँ बाबा नहीं, किसी ना किसी तरह हम किसी के साथ जुड़े हुए। मैं आपसे कह रहा हूँ ठंडे दिमाग से सोचिएगा। कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर के काम करते हैं, आज कान पकड़िए परमेश्वर से, कहिए प्रभु लिखा है आप कर्जा नहीं लोगे, परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम नहीं लोगे, तुम दोगे, तुम देने वाला रहेगा, तुम किससे कर्जा लेने वाला नहीं रहेगा। तब आप इसके लिए कब इसके लिए आप सोचेंगे, कब इसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? आगे कर्जा लेने के नौबत नौबत जब आएगा तब आप इस अध्याय को खोल करके बैठिए, पढ़िए, बोलिए, रोइए, दिल टूट करके जब आप रोएंगे परमेश्वर आपके लिए जरूर मदद करेगा। अफ्रीका देश के एक जंगल में एक बूढ़ी माँ थी, विश्वासी थी, उनका कैंसर बीमारी हो गया था। सुनिए एकदम सही तौर से सुनिए। अफ्रीका देशों में से एक एक जंगल में बूढ़ी माँ थी, वो कैंसर बीमारी का शिकार थी, कुछ दिन का मेहमान थी। उनकी उस जंगल में से कुछ दूर में एक शहर है, मान के चलिए 100 किलोमीटर दूर में एक बड़ा शहर है, वहां पर एक डॉक्टर आने वाला है, मुफ्त में इलाज होगी करके पूरा देश में लोग हल्ला कर दिया, सब लोग जाने की तैयारी में। लेकिन ये बूढ़ी माँ चलने फिरने में असमर्थ, जंगल के मार्ग में होके 100 किलोमीटर जाना मुश्किल है, वो रो रही थी, प्रभु जी आप ही मेरा डॉक्टर है, मेरा और कोई डॉक्टर है, आप ही मेरा डॉक्टर है, मेरा दूसरा कोई डॉक्टर है। वो अपना उनका अपना हवाई जहाज था, हवाई जहाज मतलब हेलीकॉप्टर जो बोलते हैं, उस हेलीकॉप्टर उस डॉक्टर का अपना था। वो सोचे अचानक एक दिन के पहले मैं उस शहर में चला जाऊंगा और दूसरा दिन भोर में से काम को शुरू कर दूंगा, बहुत लोगों को मैं इलाज करूंगा। वो डॉक्टर अपना जगह से अपने घर से अपना हवाई जहाज हेलीकॉप्टर को चालू कर दिया पायलट से बोल के, और उस जंगल के पार करते ही उनको जाना जहाँ ये बूढ़ी माँ थी। और एक ऐसा जगह में वो गाड़ी चलाने वाला चालक यानी पायलट कहता है, साथी गाड़ी में कुछ खराबी है, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, परंतु अभी एक जगह में उतरना पड़ेगा। बोले कि अगर ठीक आप कर सकते हो तो उतार दो, दिक्कत क्या है। जहाँ पर वो लोग उतरा था गाड़ी को, उसके ठीक सामने जंगल में एक झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी को देख उस झोपड़ी को देख करके डॉक्टर ने सोचा कि चलो उस घर में जाने से कम एक गिलास चाय तो देगा। तो डॉक्टर क्या किया, उस घर में गया, डॉक्टर भी विश्वासी और बूढ़ी माँ वहाँ रो रही थी, प्रभु जी आप ही मेरा डॉक्टर है, आप मुझको चंगा कीजिए, मैं 100 किलोमीटर जा नहीं सकती हूँ, मेरे पैर में वो ताकत नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए, आप ही मेरा डॉक्टर है। जब वो अंदर से प्रार्थना कर रही थी डॉक्टर वहां सुन रहा था।
मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका दिल साफ है, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव में बदल देगा। वो डॉक्टर रुका, सारा प्रार्थना को सुना और दरवाजा कटकटा करके, जंगल में दरवाजा आप जानते किस तरह हो सकता है, तो कटकटाया, आवाज दिया, वो बूढ़ी माँ धीरे से उठ के बाहर आई। वो बोली, डॉक्टर उस बूढ़ी माँ से पूछा कि बूढ़ी माँ आपको क्या दिक्कत है? हमको तो कैंसर बीमारी है बेटा, और वो जो शहर है वहां कल एक डॉक्टर आने वाले, डॉक्टर से ही बोल रही है, वहां पर डॉक्टर कल आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम यहाँ से पैदल जाए, हमारे पास ताकत नहीं। तो बूढ़ी माँ से वो डॉक्टर बोले, बूढ़ी माँ मैं भी विश्वासी हूं, आपकी प्रार्थना को मैंने सुना, वो डॉक्टर नहीं, आपके चलते मेरा गाड़ी खराब हो गई। परमेश्वर आपके चलते मेरा गाड़ी को खराब करके रोक दिया, मैं आपकी इलाज करके मैं आपको अपना साथ में इस गाड़ी में बैठा तो शहर में ले जाऊंगा, यहां भी इलाज करूंगा, वहां भी इलाज करूंगा, आप मरेंगे नहीं, हम आपको जिला के रखेंगे। ताली बजा के मन जो भी वचन आपको मैं सुनाया था उसका कारण है, जो इसको मानता है उसको परमेश्वर मानता है, जो इसको नहीं मानता है, आप लेने से दिल में चिपकाने से आप वो नहीं, ये वचन कितना आपके दिल के अंदर है, कितना आपके दिमाग के अंदर है वो देखिए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के या जन्म से विश्वासी है, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में आने के समय में अगर आपके हाथ में बाइबल नहीं है, आप किस प्रकार परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, अफसोस करो, दिल टूटना चाहिए। क्या घूमने के लिए आए हैं? ये मनोरंजन की जगह है जी, या वृंदावन गार्डन है, लाल बाग गार्डन है, या कब्बन पार्क है, घूमने के लिए आए हैं? आपके घर में सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, याद रखिए, अगर आप लोग घर में 5 आदमी हैं, 5 आदमी के लिए एक एक खाने के लिए छिपा है, यानी ताली है, तो 5 आदमी के लिए 5 बाइबल गरीब कर दो। यही आप अपने बच्चों के लिए देने वाला सबसे बड़ा संपत्ति है। आप माँ बाप होकर के इस बात को अगर नहीं करते हैं, आप भी नहीं आगे बढ़ रहे इसी कारण से, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं बीते हफ्ता एक वचन बोला था, पता नहीं कितने लोग ढूंढ करके पढ़े हैं, 1 सामुएल के पुस्तक उसकी 2 अध्याय 3 अध्याय के घर में जाकर ढूंढ के पढ़ो, परमेश्वर वहां कहता है जो मेरी आदर करे उसको मैं भी, कोई एक जन ढूंढ के पढ़े उस वचन को, कोई एक जन ढूंढ के पढ़े, मालूम है वो वचन कहां है? मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, आप जितना आदर करते हैं उसी के अनुसार आपको आशीर्वाद है, नहीं तो आशीर्वाद डी प्रमोशन में उल्टा काम करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे से परमेश्वर ऊपर लेके आया, ऊपर से और ऊपर ही आपको ले जाना चाहिए, यही परमेश्वर की इरादा है, वो ऊपर से नीचे नहीं ले जाता। भाई बहन सुनिए मेरी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश कीजिए, परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें ऊपर 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 ले जाना चाहता है, हम ही गलत करते हैं, उसी के चलते हम उस आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं अफसोस के साथ सुबह के समय में आपसे कह रहा हूं, 14 पद को एक बार और पढ़िए, एक और आशीर्वाद के बारे में, 13 पद, 13 और 14 पद एक बार और पढ़े, यहोवा परमेश्वर तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बावे मुड़ के पीछे न हो ले, आप भले पराया देवता के पीछे नहीं जाते लेकिन दाएं मुड़े, अगर दाएं बाएं मुड़ते तो याद रखे आपका आशीर्वाद कभी गया,
इसी कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आपके दिल के अंदर सवाल है क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्यों नहीं हमारा परिवार आगे बढ़ रही है, इतना दिमाग है, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ाने वाला आपके साथ नहीं दे रहा है। कहीं आप उसको चोट लगा दी, कहीं आप उसके बात का आप काट रहे हैं, कहीं उसकी बात से आप साइड ले रहे हैं, कहीं उसकी मार्ग से दाएं बाएं भाग रहे हैं, तो उसी के चलते दिक्कत है, उसी के चलते आशीषें रुक रही है, उसी के चलते परमेश्वर जो आपको देना चाहता है उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब पढ़िए 15 पद, इसकी खतरनाक स्थिति क्या है, 14 और 15 एक साथ। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा, 14 15 एक साथ, जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने, किसी एक भी वचन से दाएं या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। पढ़े 15 पद, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, बात आपके पास कलम होगा तो नीचे आकर लेन कर ले, उसकी बात तो नहीं सुनने से ही आशीर्वाद श्राप में बदलती है, ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेंगे तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे, ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। जितने ऊपर आशीर्वाद की बातें लिखी हुई हैं, उन सारे आशीषे नीचे आप पढ़ेंगे 15 पद के नीचे, सब श्राप में बदलता है। तो आप कहां कहां परमेश्वर के साथ है, कहां कहां परमेश्वर सालग है, उसको पहचानने के लिए एक अच्छा अध्याय इसको पढ़ करके समझने के लिए कोशिश कीजिए। मेहनत तो करना है, काम तो करना है, नौकरी तो करना है, पढ़ाई तो करना है, मेहनत तो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आशीर्वाद ऊपर से आती है। नीचे जो भी हम कमाते हैं, नीचे से जो भी हम जुटाते हैं, वो समय तक उस समय तक हमारे साथ रहता है, उसके बाद वो हमसे अलग हो जाता है, हमसे निकल जाता है, लेकिन ऊपर से जो आता है वो ठहरता है। एक वचन को पढ़िए, याकूब की पत्री उसकी पहला अध्याय उसमें 17 पद है, याकूब की पत्री उसकी पहला अध्याय उसमें 17 पद पढ़ेंगे, 1-17 पढ़े। क्योंकि हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन का हर एक अच्छा उत्तम वरदान, हर एक उत्तम दान नीचे स्वर्ग से आती है, नीचे से नहीं, स्वर्ग ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलती है, इसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है ना अदल बदल की कारण उस पर छाया पड़ती है। जैसा परमेश्वर देता वैसे आप उसका प्राप्त करेंगे, जैसा परमेश्वर देता वैसे आप उसको अनुभव करेंगे, जैसा परमेश्वर देता वैसे आप उसका अपने जीवन भर परमेश्वर के ओर से प्राप्त करके आनंदित रहेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र दोनों बातों का हमें शिक्षा बताती है, सिखाती है। भाई बहन अच्छी तरह से समझ लीजिए, परमेश्वर बाइबल धर्म शास्त्र में अगर श्राप के बारे में इतना है तो समझ लीजिए आशीर्वाद के बारे में समंदर जितना बड़ा है उतना परमेश्वर आशीर्वादों को इस बाइबल धर्म शास्त्र में लिख कर रखा, ताली बजा के परमेश्वर का नाम। अब रहा सवाल इस आशीर्वाद का हम प्राप्त कैसे कर सकते, एक वचन को पढ़िए, भजन संहिता उसकी 24 अध्याय, भजन संहिता उसकी 24 अध्याय उसमें हम पहले पढ़ेंगे 5 पद को पढ़ेंगे, 24 का 5। वह मनुष्य यहोवा परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मित रहेगा। ये दोनों आशीष परमेश्वर देता है, परमेश्वर की ओर से हम आशीर्वाद पाएंगे और परमेश्वर ही हमें धर्मित ठहराएगा। याद रखिए, अब उसके सामने छिप छिप के आप पाप करेंगे, पहले भी आप पापी था, अभी भी पापी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, प्रभु भोज में शामिल होने के बावजूद भी, अगर आप छिप छिप के पाप करेंगे, पहला भी पापी था, अभी भी पापी, आपको परमेश्वर कभी धर्मी नहीं ठहरा सकता।
कि सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए। साफ तौर से लिखा है तीसरी पद, तीन चार पांच पद को आशीर्वाद पाने का रास्ता यहाँ बतलाया जा रहा। पढ़ेंगे, यहोवा के पर्वत पर कौन, यहोवा का पर्वत स्वर्ग राज्य जो ऊपर है, उस पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसकी पवित्र स्थान परमेश्वर का ये मंदिर जो परमेश्वर का घर कहलाया जाता है, इस पवित्र मंदिर में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम आज याद रखिएगा, आपके पास कलम होगा तो नीचे दाग लगाते जाइए, जिसका काम निर्दोष हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। बपतिस्मा लेने के समय में अगर आप हर बातों में हाँ 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 कपट के साथ अगर हाँ में हाँ मिला है, आज भी छोड़ा हुआ पाप ने कहीं आप छिपे रहेगा, क्योंकि आपकी शब्द में कपट है, आपके दिल में काला है। बपतिस्मा लेने के समय में हर बातों में हाँ में हाँ हाँ में हाँ हाँ में हाँ मिला दिए, लेकिन अफसोस के बाद अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, अगर उन पापों को अभी भी आप करते हैं तो आप परमेश्वर का आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर को धोखा देते हैं। अपने मुंह से आपने कहा, हमने पास्टर ने आपसे पूछा मन फिराया, आपने कहा एकदम मन फिरा लिए, लेकिन जो पाप आप करते थे वही पाप अभी भी करते हैं तो मन नहीं फिरे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आपके आशीर्वाद शैतान के चलते रुकता है या आपके चलते रुकता है? आप बोलिए, बोलिए बोलिए ना, बोल करके बोलिए, दिल खोल कर आवाज उठा के, किसके चलते आज चीज रुकता है? आप अपने चलते रोक के रखिए, परमेश्वर नहीं रोकता है, शैतान आपका आशीर्वाद को रोक नहीं सकता है, लेकिन आप अपने आशीर्वाद को रोक सकते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बताता है, चार बात यहाँ पर लिखा होगा, एक बार और पढ़ेंगे, जिसके काम निर्दोष, आपके काम में आप निर्दोष है, जहां काम करते हैं वहां आप दोषी ठहरने से बच जाइए, आपके काम में ईमानदारी, आपका परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य है, आपका काम सच्चा विश्वास योग्य रहे, वहां लेन देन करने के समय में हाथ में दाग लगने ना दे, क्योंकि इसी हाथ से आपको प्रभु भोज लेके खाना पीना पड़ता है, अगर इसमें दाग लग गया पूरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक आंख अगर आपको नरक की ओर ले जाता है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, बिना एक आंख के स्वर्ग में चले जाइए वो अच्छा है। अगर एक हाथ ठोकर का कारण बनते उसको काट के फेंक दीजिए, बिना एक हाथ के स्वर्ग में चले जाइए। मरकुस 9 अध्याय बाद में पढ़ लीजिए। अगर एक पैर आपको नरक की ओर खींचता है उसको काट के फेंक दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का वाणी है, एक पैर एक आंख के साथ भले आप स्वर्ग में चले जाइए। कितना आप अपने आप को बचाने में लगे हैं, पाप से बचाने में लगे हैं। महीना में एक बार प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हमारे जीवन किसके साथ है? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, कौन परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करेगा? जिसका आत्म निर्दोष है, जिसका काम निर्दोष है, दूसरी पद जिसका हृदय शुद्ध है। कितना शुद्ध है? आप दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, खुद आप दोषी हैं, दूसरों के बारे में आप सोचते हैं वो पापी है, ये गलत है, वो ये वो है, आप दूसरों के ऊपर दोष लगाने में लगे हैं। आप कितना पवित्र है, आप कितना सही है, अफसोस करो, दिल टूट करके रो, आंसू के साथ परमेश्वर के पास आके उसका पैर पकड़ो, उसे कहो प्रभु मैं दूसरों को निरुत्तर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद गलत हूं, मैं खुद पापी हूं, मैं खुद अपराधी हूं, मैं खुद गड्ढा में गिरा हूं, मैं खुद आपका आशीष को प्राप्त करने से मुझ में कई प्रकार की रुकावटें हैं, अनुग्रह कीजिए प्रभु मुझ पर दया कीजिए। एक पापी प्रभु यीशु मसीह लूका 18 अध्याय को बाद में पढ़ लीजिए, वहां एक पापी का प्रार्थना इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक फरीसी मंदिर के अंदर चला गया, बहुत डींग मारता है,
मंदिर में जाके अपने आप को बहुत पवित्र साबित करते हुए प्रार्थना करता, हे प्रभु मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं 10वां देता हूँ, मैं आराधना में सही तौर से आता हूँ, सब कुछ मेरा सही है। इतना तक रुक गया होता शायद उसको क्षमा मिल गया होता। वो क्या कहता है, मंदिर के बाहर एक पापी प्रभु से प्रार्थना कर उसको दिखा के बोलता, वो जो पापी है उसके जैसा मैं नहीं। इस प्रार्थना में नम्रता है या गमन है, बोलिए ना। कभी कभी आप भी वही करते हैं, दूसरों को निरुत्तर करने में लगे रहते हैं, वो सही है वो आपका कोई सही नहीं, बाप रे आप बहुत सीधे स्वर्ग में से खुद के नीचे आ गए। कभी कभी आप दूसरों को निरुत्तर करने लगते हैं, अपने आप को देखिए, आईना आपके लिए रखिए, दूसरों को दिखाने का काम छोड़ दे, वो काम परमेश्वर करता, पवित्र आत्मा करता है, वैसे धर्म शास्त्र करती है। जब हम परमेश्वर चाहे हम भी बैठ करके सुनेंगे ये वचन, जो सुनाने वाला है ये वचन मेरे लिए एक दर्पण, तो हम अपना कमी को उसके द्वारा जानने लगते हैं। यहाँ से आप जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चाहे मोबाइल के द्वारा सुनते हैं, चाहे कोई जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, चाहे बहनों को मीटिंग अटेंड करते हैं, सुनने के समय में अपने आप को जानती है, प्रचार सुनने के समय में आप अपने अंदर का कमी को, पाप को, अपराध को ढूंढिए, आपके अंदर कहाँ कमी है, आपके अंदर कहाँ त्रुटि है, आपके अंदर कहाँ दाग है, कहाँ आप परमेश्वर के सामने निरुत्तर करने के समय में आपके ऊपर काला दाग लगे हुए, उसको पहचानने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका आशीष का रुकावट कहाँ है उसको पहले जानिए। 4 बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका काम निर्दोष, जिसका हृदय शुद्ध, जिसका मन को व्यर्थ बातों की ओर, व्यर्थ बातों को और अपना मन मत लगाइए, जो बेकार है, जो कोई काम का लायक नहीं। कोई कोई जवान लड़का एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, क्रिकेट मैच को इधर 20 ओवर देखेगा, उधर भी 20 ओवर देखेगा, उसे क्या आपको फायदा है। देशभक्ति होना है, हमारे देश के लोग जब खेलता है जरूर हमारे अंदर देशभक्ति होती है, हमारा हिंदुस्तान का टीम जीते, लेकिन वो हमारे देश का कोई नहीं खेल रहा है, मान के चले ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, इंग्लैंड खेल रहा, उसको भी हम 40 ओवर बैठ करके देखते हैं, तो ये व्यर्थ बातें कि नहीं बोलिए। तो क्या उस 40 ओवर देखने के समय में आप 20 अध्याय वचन नहीं पढ़ सकते, 1-2 घंटे आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, कौन आपको सुधारेगा। आप अपने आत्मा को व्यर्थ बातों में अगर लगाते हैं, ध्यान दीजिए, मेरे जैसा कोई क्रिकेट नहीं देखा हो, मैं सच बता रहा हूं, या ज्यादा क्रिकेट इंटरेस्ट वाले 2 जन, एक विकी है एक पिंटू, मैं बोल रहा हूँ मेरे जैसे कोई नहीं देखा होगा, इन लोग भी नहीं देखा होगा। एक मैच होता है 5 दिन का होता है, टेस्ट मैच बोलते हैं, टेस्ट मैच को मैं घर के लोगों से झूठ बोल के बुखार आ गया करके नाटक करके, उस समय प्रभु में नहीं था, घर में मेरा बड़े भैया के साथ में क्रिकेट मैच देखता था, फुटबॉल भी देखता था, हॉकी भी देखता था, इसके चलते ज्यादा स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट हो गया। मैं भैया को ही अपना मदद करने लेता था, भैया लगता कल हमको बुखार आ जाएगा, कल हमको लगता बुखार आ जाएगा, क्योंकि कल पहला दिन का मैच शुरू होने वाला। उस समय नाटा सुनील गावस्कर जो नहीं खेलता था, वो ग्रीस पर जाएगा तो वहीं पर लेट जाता था, उसको कोई उसका आउट कोई नहीं कर सकता था, उसका पैर पकड़ करके दूसरा टीम के लोग बॉलिंग करते करते एकदम मुंह सूख जाता था, उन लोग रोने लगता था उन। तो उस तरह का मैच, 5 दिन का मैच मैं किसी ना किसी तरह छुट्टी मार के, और उसी समय में बच्चे जैसे सो रहे ना यहाँ पर, मैं भी चटाई बिछा के मैच शुरू होने के 5 मिनट के पहले से तैयारी करूंगा। उसी समय लोग हमको पहचानते थे, वो इसी के लिए छुट्टी लिया, चटाई बिछा के 2 तकिया रखता था, उसी समय से हमको 2 तकिया रखने का आदत हो गया, आप आज भी 2 तकिया रखने से ही नींद आता। 5 दिन हमने इस तरह समय को बर्बाद किया, 5 दिन टेस्ट मैच देखता था, उससे हमको क्या फायदा हुआ, और फायदा हुआ बोलिए। क्रिकेट प्रेमी नीतीश कुमार जी क्रिकेट देखता है, चलो देखो गलत नहीं है, लेकिन कंट्रोल में रहो, मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल में रहो। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है,
कि अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगा। और अंत में लिखा है कि ना कपट से शपथ का। इस प्रकार जो जीवन बिताते हैं उनके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बताती है पांच पद में, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन चार बात हमारा सही रहेगा कि चारों बातों को एक बार दोहरा रहा हूं, जिसका काम निर्दोष, जिसका हृदय शुद्ध, जिसके जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, ना कपट से शपथ खाई। तो वो सब जो लोग इस प्रकार का जीवन बिताएगा वो सब कोई परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेगा। बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है परमेश्वर का आशीर्वाद पाने का यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ध्यान दीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। समस्त बाइबल धर्मशास्त्र में नया नियम है, यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके दुखी होके वापस लौटे, यही एक व्यक्ति समस्त बाइबल धर्मशास्त्र में एक ही व्यक्ति दुखी होके वापस लौट गया। सब कोई अपने बाइबल धर्मशास्त्र में से मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 19 अध्याय पढ़ेंगे। उसमें हम परमेश्वर के नाम की स्तुति हो 16 पद से लेकर पढ़ेंगे, 15 पद से पढ़ेंगे, 15 पद से। और उन पर हाथ रखकर वहां चला गया। 16 पद, एक मनुष्य आपके पास कलम अंडरलाइन कीजिए। देखिए ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आशीर्वाद पाने के लिए आता है और वो कहता है किस प्रकार आशीर्वाद मांगता है, पढ़ेंगे 16 पद। एक मनुष्य यीशु के पास आया, देखो एक मनुष्य यीशु प्रभु के पास आया और यीशु मसीह से कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन का आशीर्वाद को प्राप्त करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं, यीशु ने उससे कहा, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, अपने पिता और अपनी माता की आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, इन सब बातें मैंने माना है, मैं तो इन सारी बातों को बचपन से ही मानते आया हूँ। ठीक है, यदि तू सिद्ध होना मेरे से परिपूर्ण आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और मुझे स्वर्ग से तुझे स्वर्ग से धन मिलेगी और आकर मेरे पीछे हो लेना। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था, वापस भी कभी लौट के नहीं आया और उसका मन यीशु मसीह में था या धन पर था। बोलिए आपका मन किस पर, यीशु मसीह पर है या संसार का पाप पर? यीशु पर है तो आप इस संसार के पाप से सहभागिता नहीं रखेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, स्पष्ट तौर से बतलाते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सचमुच तुमको अगर मैं चाहिए, मुझे चाहिए तो जाओ तेरे सारे धन संपत्ति के बेच करके कंगालों को बांट दो, उसके बाद मेरे पीछे आओ। तो उसके बाद वो चुपचाप से चला गया। उसके बाद यीशु मसीह के पास वो लड़का वापस नहीं आया। नहीं आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नीचे पड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर के राज्य में
धनवान को प्रवेश करना, ऊंट का सुई के नाक से, नाक में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव, हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा, जहां तेरा धन है वहीं पर तेरा मन भी लगा रहे। अगर हमारा असली धन प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मन उस पर रहेगा। हालेलुया। अगर हमारा असली धन पैसा है, संसार का पाप है, गंदे जीवन है, गंदे लोगों की संगति है, आप उस पर ही रहेंगे, आपका मन उन्हीं लोगों पर रहेगा। परमेश्वर के नाम के लिए आप अपने वोटों से लेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता जब इज़राइलियों को प्रचार किया था, उस समय परमेश्वर ने इज़राइलियों को यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रचार में कहा था, परमेश्वर ने कहा था, हे इज़राइली, तुम लोग नाम के वास्ते वोटों से मेरा नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो मुझसे बहुत दूर है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका दिल परमेश्वर के पास रहेगा, परमेश्वर का सारा कुछ तो जरूर आप प्राप्त करेंगे। वोटों से गाली पुकारते हैं, इस वोट के नीचे अगर 20 है, 20 जैसा शब्द बोली कड़वापन गंदे वस्तुओं का आप कहते हैं, प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, श्रापित होंगे आप। मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज नॉट माय वर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, अनुचित रीति से जो भी इस बोझ में भाग लेगा वो बीमार, कमजोर और उनमें से कुछ लोग मर भी जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पहला कुरिन्थियों का पत्री आप 11 अध्याय को घर में जाके पढ़िए। अगर आपको परमेश्वर चाहिए, प्रभु बोझ चाहिए, संसार के पाप से अलग होना है, आप उस अध्याय को प्रतिदिन पढ़िए, पाप नहीं करेंगे आप। दुनिया भर के पाप करके यहाँ आके प्रभु भोज में शामिल होंगे, याद रखिए आप बीमार रहेंगे, आप कमजोर रहेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा, आप बीमार रहेंगे, आप कमजोर रहेंगे, आप दुर्बल रहेंगे, आप निर्बल रहेंगे, आप में परमेश्वर का आशीर्वाद जितना होना चाहिए। जैसे हम नीति वचन 28 अध्याय का 20 पद में पढ़े हैं, बारंबार पढ़ते रहे कि उस परिपूर्ण आशीर्वाद का थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। आप परमेश्वर का नाम लेने के कारण कोई भीख मांगा बाहर आके अगर आपसे, साहब भूख लग रहा है, प्राण निकलने के जैसे लगता है, थोड़ा खाना खिलाइए। मान लीजिए आपके घर में 1 किलो अगर आप मछली बना के रखे हैं, क्या सब ले जाकर उसको दे देंगे या दे देते हैं? क्या करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा ले जाके देते हैं, दया आता है, आदमी मर नहीं जाए, दया आता है, थोड़ा ले जाके दे देते हैं। परमेश्वर के बात मानने वालों के लिए पूरा मिलता है, जो परमेश्वर के बात ना मानते हैं, थोड़ा परमेश्वर दे देता है, थोड़ा ही में आप रह जाएंगे। अगर आप दिल और दिमाग से इस बात को सोचेंगे, गंभीरता से लेंगे, नहीं हमको थोड़ा नहीं चाहिए, हमको पूरा चाहिए। अगर पूरा चाहिए क्या करना, आंख भी साफ, काम भी साफ, दिल भी साफ, जीवन भी साफ, हमारे हर बातों में साफ पवित्र रहेंगे, हमारे आत्मा को जो व्यर्थ बात है उस पे नहीं लगने देंगे, नहीं लगाएंगे, व्यर्थ बातों पे मन नहीं लगाएंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। मैं दिल से कह रहा हूं, परमेश्वर का आशीर्वाद ही हमें, एक वचन को पढ़िए, नीति वचन 10 अध्याय का 22 पद, उसके बाद हम प्रार्थना करें। नीति वचन 10 अध्याय और उसमें 22 पद पढ़ेंगे। धन यहोवा परमेश्वर की आशीष से मिलती है, क्या है, एक बार और जोर से, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, आपकी काम से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं, आपकी नौकरी से नहीं, संसार से जो मिलता है संसार में चला जाता है, स्वर्ग से जो आता है वो आपका आपके साथ स्वर्ग तक जाएगा। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, धन यहोवा सच्चा धन, सच्चा मनुष्य को परमेश्वर देता है, ये सच्चा धन
स्वर्ग से स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से आता है। पढ़े, और उसके साथ दुख नहीं मिला। एक बार पूरा पढ़े, धन यहोवा की आशीष से मिलती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर अपने आशीर्वाद के साथ दुख नहीं मिलाता। आप दुखी हैं, आशीर्वाद भी मिलता है, दुख भी साथ चलता है। 20 दिन बहुत आशीर्वाद है, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। 10 दिन दुख के साथ दांत पीसते हुए एक एक दिन को काटना पड़ता है। इस तरह का जीवन, एक हफ्ता आपको दुख के साथ रहना पड़ता है। किसी ना किसी तरह आखिरी हफ्ता में कर्जा ले ही लेते हैं पास्टर जी। ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं, आपके चलते। आज मन फिराए, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु जी हमें दुख नहीं चाहिए, हमें आपके संपूर्ण धन चाहिए जो स्वर्ग से हमें मिलती है। आपके स्वर्गीय आशीष, आपके स्वर्गीय आशीष, आपके स्वर्गीय आशीष। जो लोग चाहते हैं सच्चे दिल से, मुझे स्वर्गीय आशीष चाहिए, पहले सच्चे दिल से मन फिराइए। हम बोल रहे हैं करके आप उठिए करके बोलने से उठ जाते हैं, बैठिए करके बोलने से बैठ जाओ, ऐसा नहीं। आज आप एक सही निर्णय लीजिए। परमेश्वर का धन अगर चाहिए सच्चे दिल से मन फिराते हुए, मुझे आपके स्वर्गीय धन चाहिए। संसार में से जो भी मुझे मिलती है, चाहे मेरा वेतन, मेरा आमदनी, मेरा कमाई के पैसा, वो सब संसार में खर्चा हो जाएगा। स्वर्ग से जो धन हमारे पास आता है, वो धन हमारे साथ स्वर्ग तक जाएगा। वो धन मुझे चाहिए प्रभु, ऐसा कहने वाले दिल से मन फिराते हुए अपनी जगह में खड़े हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप परमेश्वर को धोखा देने के लिए कोशिश ना करें। आप नहीं उठने से आपको कोई तकलीफ नहीं। आप